क्लास थर्ड है हिंदी, इसमें ये हिंदी यवनी यानी कि हिंदी रीडर की क्लास है और आज हम गणतंत्र दिवस के विषय में जानेंगे, पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या बताया गया है। अध्याय कितना है? 11 है आपका और चैप्टर का नाम है गणतंत्र दिवस। सारा देश बच्चों प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाता है, परंतु एक सामान्य वर्ग ऐसा होता है जो ये नहीं जानता है कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाया जाता है तथा देशवासियों के लिए इसका क्या महत्व होता है। तो बालकों की सामान्य जानकारी हेतु प्रस्तुत पाठ में गणतंत्र दिवस मनाए जाने के कारण महत्व सरल भाषा और शैली में प्रस्तुत किया गया है। आशा है कि बालक इससे लाभान्वित होंगे, यानी कि इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि गणतंत्र दिवस क्या होता है, हम क्यों मनाते हैं, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था और हमारे देश के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन होते हैं, इसका जो ध्वजारोहण होता है वो कहाँ पे किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। इससे पूर्व यहाँ अंग्रेजों ने बलपूर्वक अपना शासन चलाया था। देश में उन्हें का बनाया कानून चलता था और जो वे चाहते थे वही करते, परंतु देश के स्वतंत्र होने के बाद देशवासियों के लिए एक संविधान की रचना की गई। ये संविधान हमारे देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तब से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमारा देश बच्चों 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हम अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए तो क्या हुआ, वे बलपूर्वक हमारे देश में आए और अपना शासन, अपना कानून ये सब चलाते थे और हम जो थे उनके गुलामी करने पे मजबूर थे। हमारी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कोई आज़ादी नहीं थी, हम अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकते थे। जो वो हमसे कहते थे वही हम काम करते थे, लेकिन जब वो 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को छोड़ गए तो उस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली। अब क्या होता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र देश के लिए, देशवासियों के लिए एक संविधान की आवश्यकता हुई और उस संविधान को बनाया गया, उसकी रचना की गई और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उसको लागू किया गया और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम जो है वो गणतंत्र दिवस है। चाहे हम 26 जनवरी बोले या गणतंत्र दिवस, एक ही चीज़ है। और उस दिन जो है हमारे देश का संविधान लागू हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी का दिन हमारे देश में प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर नई दिल्ली में एक भव्य परेड का आयोजन होता है, झांकियां निकाली जाती हैं तथा अनेक रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। ये सब देखने के लिए लाखों लोग दिल्ली पहुंचते हैं। इस बार समीर अपने भाई अनु के साथ 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए गया। कहाँ गया? दिल्ली गया। 26 जनवरी पे क्या होता है, दिल्ली आया 26 जनवरी पे क्या होता है कि वहाँ पे इसका जो मुख्य आयोजन होता है वो कहाँ पे होता है, दिल्ली में होता है और वहाँ पे भव्य परेड का आयोजन होता है। इसमें स्कूल के बच्चे, आर्मी और जितने भी देशवासी होते हैं, विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, वो झांकियों अपने अपने कल्चर के विषय में वहाँ पे प्रस्तुति देते हैं कि हमारे स्टेट का क्या कल्चर है, राज्य का क्या कल्चर है, संस्कृति की क्या है, वहाँ की, वहाँ का मुख्य पहनावा क्या है, खान पान क्या है, वेशभूषा क्या है। तो इन सब की वो झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं जो हम देखते हैं और इसका जो भव्य आयोजन है वो दिल्ली में परेड ग्राउंड में होता है।
इस बार क्या हुआ कि समीर का भाई अनु भी 26 जनवरी की परेड देखने के लिए दिल्ली गया। वो 25 जनवरी को अपने भाई के साथ चाचा जी के घर दिल्ली पहुंचा। शाम के समय समीर अपने भाई अनु तथा चचेरे भाई लच और यश के साथ कनॉट प्लेस और पालिका बाजार की सैर पे निकला। जब वो दिल्ली गया तो वहाँ पे ये जो मेन शॉपिंग मॉल है जहाँ पे सामान की खरीदारी की जाती, वहाँ पे उस मार्केट को देखने के लिए बाजार को देखने के लिए गए। उसने देखा कि कनॉट प्लेस बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था। बीच में एक फव्वारा चल रहा है। बड़ी बड़ी दुकानें बहुमूल्य वस्तुओं से सजी हैं। असंख्य सुंदर सुंदर मोटर कारें खड़ी हैं। देसी और विदेशी लोग दुकानों पर खरीदारी कर रहे हैं। खूब चहल पहल है। वो वहाँ पे वहाँ के बाज़ार में जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत ही चहल पहल है। पूरा जो मार्केट है, बाज़ार है, वो रोशनी से जगमगा रहा है और वहाँ पर देसी विदेशी सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं। अगले दिन 26 जनवरी को प्रातः नाश्ता करके समीर अनु अपने चाचा के परिवार के साथ सवेरे ही तैयार होकर परेड देखने के लिए राजपथ की ओर चल पड़े। चाचा जी ने बताया, परेड का जुलूस विजय चौक से आरंभ होकर राजपथ इंडिया गेट कनॉट प्लेस से होता हुआ 8 किलोमीटर लंबा रास्ता पार करके लाल किले पहुंचता है। इस लंबे रास्ते के दोनों ओर अपार जनसमूह होता है। सभी उमंगों से झूम रहे होते हैं। उनके चाचा जी ने बताया कि ये जो जुलूस है ये कहाँ से, ये विजय चौक से, इस परेड का जो जुलूस है वो विजय चौक से आरंभ होता हुआ और कनॉट प्लेस इंडिया गेट कनॉट प्लेस से होता हुआ ये 8 किलोमीटर का लंबा रास्ता ये सफ़र तय करता हुआ ये जो है यहाँ लाल किले तक पहुँचता है। समीर अन्य सभी के साथ राजपथ पर एक ऐसे स्थान पर बैठ गया जहाँ से राजपथ का मंच दिखाई देता था। उसने देखा था कि मंच के दोनों ओर प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, विदेशी अतिथि तथा राजदूत बैठे हैं। ठीक 8 बजे राजपथ की 4 घोड़ों की बग्घी राजपथ पर आती हुई दिखाई दी। राजपथ के ऊपर सुनहरा छत्र तना हुआ था। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने मंच पर खड़े होकर तोपों की सलामी ली। राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। सैनिक बैंड ने राष्ट्रगान की धुन बजाई। धुन की समाप्ति पर जुलूस आरंभ हुआ। जब वो वहाँ पे बैठा हुआ था तो उसने देखा कि राष्ट्रपति जो है अपने 4 घोड़ों की बग्घी से राज वहाँ पे आए हुए हैं लाल किले पर, और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और जो रक्षा मंत्री थे उनका उन्होंने वहाँ पे स्वागत किया। उसके बाद क्या हुआ, जो सैन्य दल थे उन्होंने राष्ट्रगान का बैंड बाजे से राष्ट्र धुन गाई और गा करके जब वो धुन समाप्त हो गई तो जुलूस का आरंभ हुआ। एक एक करके झांकियां वहां से गुजरने लगी। जुलूस में सबसे आगे तीनों सेनाओं के सैनिक अपनी अपनी वेशभूषा में शस्त्रों सहित परेड कर रहे थे। उनके पीछे सैनिक टैंक की तोपे थी। सैनिकों के पीछे सजे हुए हाथियों पर देश के वीर बालक बैठे थे जिन्हें वीरता पुरस्कार दिया जाना था। उनके पीछे दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं सुंदर सुंदर वेशभूषा में जय हिंद, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। बच्चों के बाद देश के हर एक प्रांत की झांकी भी, प्रत्येक झांकी में उस राज्य का सांस्कृतिक दर्शन व प्रगति दिखाई देती थी। क्या हुआ, जैसे ही वो धुन समाप्त हुई, जुलूस का आरंभ शुरू हुआ तो सबसे पहले जल, थल, वायु तीनों सेनाओं के जो टुकड़ियां थीं वो निकली। उसके बाद बच्चे, स्कूल के बच्चे जो थे वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपना जुलूस परेड पर निकाला। और सबसे बाद में जो अन्य राज्यों की जो झांकियाँ थीं उन्होंने अपनी संस्कृति को, झांकी जो थी भिन्न राज्यों की, उन्होंने सांस्कृतिक दर्शन और उसकी प्रगति के दर्शन हमको कराए। इसके बाद समीर ने देखा कि भिन्न राज्यों के कलाकारों की टोलियां रंग बिरंगी वेशभूषा में राष्ट्रपति के सामने से निकली। 3 वायुयानों ने राष्ट्रपति को सलामी दी और पुष्प वर्षा की। इसके बाद फिर 3 वायुयान आए।
एक ने केसरिया, दूसरे ने सफ़ेद और तीसरे ने हरे रंग का धुआं छोड़ा। इससे आकाश में लंबी तिरंगी पट्टी बन गई। विभिन्न रंग के गुब्बारे छोड़े गए। समीर और उसका भाई ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब ये झांकियां जो थी उनको प्रस्तुतिकरण हो गया तो उसके बाद में देखा कि राष्ट्रपति, इसके बाद क्या हुआ कि टोल अनेक कलाकारों की अन्य राज्यों की वेशभूषा, अपनी अपनी स्टेट का जो राज्य का पहनावा था, ड्रेस जो थी उसको पहन करके राष्ट्रपति के सामने से वो निकले और तीनों सिवाइयानों ने जो क्या था वो सलामी दी और उसे कलरफुल तिरंगे के लाल, हरा, केसरिया और सफ़ेद तिरंगे रंग का धुआं छोड़ा, जिससे जो आकाश में था एक लंबी तिरंगी पट्टी बन गई। शाम के समय समीर अपने भाई के साथ रोशनी देखने निकला। राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, संसद भवन और इंडिया गेट विशेष रूप से जगमगा रहे थे। नई दिल्ली के बाद उन्होंने पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक, रेलवे स्टेशन और लाल किला देखा। सभी भवनों पर बिजली का प्रकाश जगमगा रहा था। अगले दिन समीर और उसके भाई जामा मस्जिद, बिरला मंदिर, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, गुरुद्वारा शीशगंज और कुतुब मीनार आदि स्थानों को बहुत बहुत देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन अनूम के साथ समीर अपने नगर लौट आया। समीर चूंकि वो मेन उस वहाँ की झांकी को ही देखने गया था तो इसलिए वो उन सब चीज़ों को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसके बाद में वहाँ की रोशनी देखी, राष्ट्रपति भवन देखा, संसद भवन देखा, इंडिया गेट देखा और ये सब देख करके वो क्या बहुत ही खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और ये सब देख करके वो अपने नगर यानी कि अपने गांव लौट आया। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में देखा कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, हमको अंग्रेज़ों से कब से स्वतंत्रता मिली और हमारे देश का संविधान का निर्माण कब हुआ, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस पर क्या करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी और देखी। इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ही सिर्फ आपको अपनी कॉपी पे करना है और एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में ही फिल करना है और उसी से आपको पढ़ना है। चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, जब आप ध्यान से चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप आ जाएंगे।